परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, इसे हिंदी में हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। जब दो रेखाएं AB रेखा और MN रेखा आपस में कट कर जाती हैं, तो उसके हम कहते हैं L पॉइंट क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं समद्विभाजक। जैसे हम दो पेन लें, एक ये पेन लिया मैंने और एक पेन हम अगर और लेते हैं, दोनों पेन आपस में रेखाएं कट कर जाती हैं, तो जो बीच में पॉइंट आता है तो इसे हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। जैसे हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.5, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं लंब रेखाओं के उदाहरण है। मेज के ऊपरी सिरे का आसनन भुजाएं, अगर हम मेज की भुजाएं देखें, जैसे ये मेज है, ये मेज की भुजाएं हैं, दोनों आपस में रेखा यहाँ कट कर रही हैं, तो ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो लंब बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। इसी तरह से रेल की दो पटड़ियां सीधी जाती हैं, ऐसे सीधी जा रही हैं रेल की दो पटड़ियां, तो ये आपस में कट नहीं करती रेखाएं, तो इसका मतलब ये लंब नहीं है। अक्षर एल, एल अक्षर हमारे पास ऐसे बनता है, देखो एल अक्षर ऐसे बन गया हुआ है, तो एल अक्षर में हमारे पास लंब बन रहा है, हाँ यस, एल अक्षर में लंब बन रहा है। वी बनाते हैं, जब हम वी बनाते हैं, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है अक्षर वी बनाने का रेखाखंड, जब हम वी बनाते हैं तो वी में कोई दो रेखाएं आपस में कट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लंब जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो नहीं बन रहा है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए रेखाखंड PQ XY पर लंब है, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एंगल PAY का माप क्या है। XY रेखा ली हमने और उसके ऊपर कहता PQ जो है वो लंब बन रहा है, तो हमने ये कोण जो बन रहा है PAY, एंगल PAY, इसका माप कितना होएगा 90 डिग्री का। हमेशा जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण जो है वो बनाता है। थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह से हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, यदि इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये वाली आकृति दी हुई है हमारे पास, एल रेखा एम पर लंब है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और उनको हमने कर दिया हुआ है ABCD EFGH, उसको पॉइंट ले लिया हुआ है 5, 6, 7, 8। अब कहा गया है M रेखा इस पे लंब है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तो कहता क्या CEEG के बराबर है। ये देखिए CE यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा गई और ये किसके बराबर है, EG, यस ये बराबर है, क्यों, यहाँ से लेके E तक दो पॉइंट्स हो गए और E से लेके G तक भी दो पॉइंट्स हो गए हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह से क्या रेखा PE रेखा खंड CG को समद्विभाजित करती है। PE देखें, अब हम ये रेखा जो है, ये P है हमारे पास, PE रेखा किसको समद्विभाजित करती है, CG को, ये CG जा रही है रेखा हमारी और यहाँ पे PE, यस, तो इसका मतलब ये भी इसको समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में इसे बांट देती है। कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है, हमने दो रेखाखंडों के नाम लिखने जहां PE दोनों के लिए जो क्या है बराबर हो, किसके लिए बराबर है, B से लेके H तक और इसी तरह से D से लेके F तक, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। फिर बताना है हमने अगले पार्ट में कि क्या ये सारी चीजें सत्य हैं, क्या ऐसा सही है, AC FG से बड़ा है, AC यहाँ से देखिए आप, A से लेके C तक दो पॉइंट्स हो गए हुए और FG, FG ये तो छोटा पॉइंट हो गया, यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, A से लेके C तक दो पॉइंट्स हो रहे हैं और F से लेके G तक एक सिंगल पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब AC जो है वो FG से बड़ा है, तो आंसर इज योर यस। नेक्स्ट इज योर CD,
ये पॉइंट है सी डी, क्या इसकी वैल्यू जी एच के बराबर है? यस, ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों? सी से लेके डी तक भी एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास और जी से लेके एच तक भी एक ही पॉइंट आ रहा है। थर्ड पार्ट है हमारे पास बी सी, क्या ये बी सी पॉइंट इसकी वैल्यू कम है, लेस देन मतलब कम है किससे? ई से लेके एच तक। ई से लेके एच तक हमारे पास कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? ये बड़ी वैल्यू होगी और ये छोटी होगी। यस, ये भी इससे जो है वैल्यू है वो कम है।